मैं एसपी गुलबर्ग डिवीजन एएसपी जहांदाद अकरम आपसे मुखातिब हूँ। 26 सितंबर 2022 यूसुफ पला थाने की हदूद में एक जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ कराची के तनवीर, उनके साथ डकैती की वारदात पेश आई जिसमें 4 अफगानी मुलजमान उनसे कैमरा इक्विपमेंट छीनकर फरार हो गए। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बाद उन 4 में से 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया है और सारी की सारी कैमरा इक्विपमेंट रिकवर कर ली गई है। इसी ग्रोह ने 14 अगस्त वाले दिन एक कपल से वारदात की जिसका केस यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और हमने यहाँ उस वक्त वर्किंग स्टार्ट की। उस केस में इस ग्रोह की वीडियो हमें मिल गई थी जिससे इनके चेहरों की शनाख्त हो गई थी। फिर ह्यूमन सोर्स की बुनियाद पर हम इनके पीछे लग गए। मेरा जो सामान गया था उसके अंदर 100 कैमरा था, उसके जो 2 लेंसेज थे 30mm और 1650, इसी तरीके से GoPro की पूरी किट थी, रोड माइक थे और जिस तरह SD कार्ड वगैरह होता है जो मीडिया किट पूरी मुकम्मल होती है। तो आज हमें यहाँ पर बुलाया गया है और तमाम जो गैंग था उसके हवाले से हमें बताया गया कि वो पकड़ा गया, उनमें से कुछ कारिंदे गिरफ्तार किए गए और जो हमारा सामान है वो हमें वापस दिया जा रहा है। तो इसके लिए कराची पुलिस का बहुत शुक्रिया, उनकी जानिब से बेताशा अच्छा काम किया गया क्योंकि एक बड़ी मुश्किल से हम ये कमाते हैं। तो बड़ा दुख था लेकिन खुशी इस बात की है कि जो हमारी कमाई थी वो वापस मिल गई है, इसलिए हम कराची पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। कराची पुलिस आवाम की जानो माल की तहफ्फुज़ और स्ट्रीट क्राइम को रोकने में पेश है।